सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो की टीवी यूके ते मेधा पाटेकर जी साडे नाल पाटकर मौजूद ने नर्मदा बचाओ अंदोलन वाले। इत्थे अज तुसी स्टेज से सिंघू बॉर्डर ते पहुंचे हुए हो, अज सुप्रीम कोर्ट वल्लों भी सुनवाई हुई है, की लगता है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच केड़ियां गल्लां सीगियां जिन्हां ते खास ध्यान देना चाहिदा सी? हालांकि स्टेज दीआं गल्लां होईआं ने, जिहड़ियां मेन गल्लां सी उहदे तों तुहानूं लगदा नहीं कि उरे परे रख्या गया है काम? हिंदी में पूछिए, जो मेन बात थी उधर तो थोड़ा सा आगे पीछे काम किया गया है, मेन टॉपिक पे बात नहीं हुई है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है उसकी प्रार्थना तो यही है कि रास्ते खोलो, उस पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट काफी कुछ कह दिया है। अभी उस पर हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी है वो पूरी चर्चा विचार करके कल निर्णय दे देगी, क्योंकि अभी वकीलों के साथ भी चर्चा चल रही है और ये सामूहिक नेतृत्व है तो मेरी टिप्पणी ठीक नहीं होगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि भाई केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, वो बात भी महत्व की है। और सुप्रीम कोर्ट अभी कमेटी बनाने की बात कह चुका है, बहुत सारी बातें, पर कल उन्होंने हमारे वकीलों को जवाब देने के लिए कहा है। जो वकील किसान संगठनों को उन्होंने खुद पार्टी बनाया इसलिए खड़े हैं, अन्यथा कोई किसान संगठन कोर्ट में गया नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उनको पार्टी बनवा ही लिया, तो फिर न्यायपालिका को एक जनतंत्र का स्तंभ मंजूर करते हुए वकील खड़े हैं। जी स्टे लगता है सुप्रीम कोर्ट ला दें दिया जा, केंद्र तो हाले इस गलते नहीं है कि तो अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। अभी ऑर्डर मैंने देखी नहीं है, हाथ में आई नहीं है, जब ऑर्डर आएगी तब सामूहिक नेतृत्व में जो कमेटी है वो सोच विचार करके जवाब देगी। पर हम तो मानते हैं कि जन संसद में जो निवाड़ा होना था वो तो हो ही चुका है। भारत की जन संसद, जगह जगह जो लोग रास्ते पर उतरे हैं लॉकडाउन में भी और अहिंसक सत्याग्रही बन गए हैं, उन्होंने अपना निर्णय तो घोषित किया है कि अडानी अंबानी की जागीर नहीं, ये देश हमारा है। और कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। देखो जी, 26 तारीख की जड़ी है ट्रैक्टर रैली है, उसको भी निकाला जाएगा, की लगता है कि कितना का बार की स्टेटा विचों भी परवाह हंगारा है पंजाब हरियाणा यूपी की तरह? क्या यूपी की तरह या पंजाब की तरह? यूपी और पंजाब की तरह यहाँ पे भी ट्रैक्टर रैली के लिए कौन कौन से कितने किसान आ सकते हैं दिल्ली? वो तो किसान ही जानते हैं, वो तो हजारों के ट्रैक्टर्स निकाल ही चुके हैं 6 तारीख को भी, तो आज भी करेंगे तो उसे कोई शंका नहीं है। पर ट्रैक्टर वाले किसानों का ही मामला नहीं है, बैलगाड़ी वाले किसानों का भी मामला है, पैदल चलने वाले भूमिहीन मजदूरों का भी मामला है। तो हमारी कमेटी ने तो कल ये सोचा है कि जो 26 तारीख को कार्यक्रम होगा वो केवल दिल्ली में नहीं गली गली में होगा, तो वहाँ कोई बैलगाड़ी से निकले कोई पैदल निकले। और 14 तारीख भी बहुत महत्व की है, लोहड़ी का त्यौहार तो 13 को है, 14 को हमारे क्षेत्र में जो तिल गुड़ देते हैं वो हमने ऐसा सोचा है कि किसान मजदूरों को देंगे, पशुपालकों को देंगे, मछुआरों को देंगे, छोटे छोटे जो किसानी के से जुड़े हुए उद्योग है उनको देंगे। तो एक किसानी का जो एक बहुत बड़ा दायरा है उसमें केवल जमीन मालिक किसान नहीं आते हैं, ये सब आते हैं जो मिलकर किसानी करते हैं और बचाते हैं, उन सबके बीच की एकजुटता प्रकट होगी। और यहाँ जैसी लंगर सेवा चल रही है वैसे जिले जिले में राज्य राज्य में एक उस 14 जनवरी के दिन तिलगुल की लंगर सेवा चलेगी तो बहुत ही बाहर आएगी और आंदोलन का दायरा अभी बढ़ ही गया है और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरा ये है कि राशन व्यवस्था खत्म करने जा रहे हैं ये लोग, ये तो खबर आ ही गई है, ये 3 कानूनों के द्वारा गोडाउन बनाकर। तो इसीलिए ये मुद्दा केवल जिनको आम रूप से किसान कहते हैं उन्हीं का नहीं है, जो भी किसानों के बदौलत अनाज खाता है उसका दायरा है, उसका ये मुद्दा है। और इसीलिए हमारे शहरी गरीब बस्तियों के लोग भी आ जाए हैं जो लड़ रहे हैं, इनको आप पूछेंगे तो इनका नज़रिया इन कानूनों के बारे में क्या है ये ज़रूर सिखों तक पहुँचाएंगे।
ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਡਟਾ ਹੁਆ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਯਹਾਂ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਤੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसी अहिंसक सेना आज़ादी आंदोलन में ही कभी महात्मा गांधी ने खड़ी की थी वो आज फिर से खड़ी हुई है और इसका एक जो संदेश जा रहा है वो यही है कि ये केवल तीन कानून वापसी की बात नहीं, तीन कानून वापसी यानी खेती के क्षेत्र से कॉरपोरेट्स की वापसी, आज भी जो अंदर घुसते हैं फंसाते हैं, धान के लिए पूंजी निवेश करते हैं, आलू के लिए करते हैं और फिर खरीदते समय कुछ ना कुछ कारण बताते हैं, इसमें जहर है, ये गुणवत्ता की कम ही है वगैरह वगैरह, और ये कायम चल रहा है। अभी अभी मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के हमारे होशंगाबाद जैसे ज़िले से कितनी खबरें आई है, सातारा जिला महाराष्ट्र से खबरें आई है, और ये अगर कॉरपोरेट्स खेती करेंगे तो वो खाद्यान्न नहीं उगाएंगे, वो तो जिसमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा ऐसे नगरी फसलें ही उगाएंगे, और फिर जो होगा वो यही होगा कि देश में अन्न सुरक्षा खत्म होगी। तो इसीलिए ये एक बुनियादी परिवर्तन लाने वाला हो सकता है। आज जो अडानी 384 करोड़ रुपया रोज की कमाई करता है और अंबानी 1085 करोड़ रोज की कमाई, ये जनता को मालूम होना जरूरी है। अपने को लगता है कि हमारी मजदूरी 10-20 रुपए से बढ़ जाए, जरा 100 रुपए से बढ़ जाए तो बस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही बीभत्स बैर बराबरी हुई है और इनकी भूख कब मिटेगी समझ में नहीं आता है। अब वो थोड़े से झुककर बोल रहे हैं, है ना, नहीं तो मोदी जी उनके सामने झुके हुए दिखते हैं। अब वो थोड़े से जनता के पक्ष में बोल रहे हैं कि हम फसल खरीदेंगे नहीं, मुकेश अंबानी बोल रहे, अरे पर आप कोल ब्लॉक्स ले रहे हैं, आप हर क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य में अपने मुनाफा कमा ही रहे, वहाँ से भी इनको निकालना चाहिए और शासन की जो जिम्मेदारी है संविधानिक उसका एहसास शासन को करवा सकता है तो देश का किसान मजदूर ही करवा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतने सी भारत उदो जो काल पैंता जी फसल जो भी अन्न था उसका रेट बहुत बढ़ा दिया जाता था, अब भी वैसा ही चीज है। लगता है कि ये मोदी सरकार वैसा ही समाज जो दोबारा लेके आ रही है भारत में, कंपनी राज ही है, हम इसलिए कहते हैं मोदी जी को देना ही है, खुद की कुर्सी उनको दे दो ना, किसान की खेती क्यों दे रहे हैं, कुर्सी कुर्सी तो खुद के उनके चंदे से कमाते हैं, और इसीलिए तो कानून आसानी से वापस नहीं ले सकते हैं। चुनाव पूर्व आश्वासन देते हैं, अनुबंध करते हैं, कानून आने के पहले उनको पता चलता है कौन सा कानून आने वाला है, है ना, और फिर सब बदल जाता है चुनाव के बाद। तो दो चुनावों के बीच में जनता ने जागरूक रहना जरूरी है, और ये कंपनी राज ने 50 तो सार्वजनिक उद्योग ले लिए, एयरपोर्ट्स ले लिए, रेलवे ले रहे हैं, रेलवे के 12.5 लाख कर्मचारियों के माथे पर बेरोजगारी की कुल्हाड़ टंगी, तलवार टंगी हुई है, और फिर जाति पाति मजहब के नाम पर अपनी वोट बैंक सुरक्षित करते हैं। तो ये सब जो भयंकर जनतंत्र विरोधी कार्रवाइयां हैं उसको भी ये आंदोलन चुनौती दे सकते, इसलिए यहाँ तीन कानूनों से शुरू करके बिजली बिल से शुरू कर व्यापक व्यापक विचारधारा बनने की जो शुरुआत हुई है वो बहुत महत्व की है। यहाँ की लंगर सेवा जात पात पंथ के पार गरीब बस्तियों के बच्चे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं जो अन्यथा भूखे रहते होंगे, वही खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, गाजर का हलवा भी खा रहे हैं, पर इसका मतलब ये बड़े किसान ही है ऐसा नहीं है। आप जैसे सभी लोग जो समर्थक हैं वो अगर किसान के पक्ष में आंदोलन में खड़े होते हैं तो क्या दिक्कत है, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी है। जी बिल्कुल जी, ये सुन साडे नाल मेदा पाटकर जिन्होंने अज दे इत्थे अंदोलन विच किसान अंदोलन विच पुछ के जिहड़ा सानू बहुत वधिया तरीके नाल दस्सिया है कि जिहड़े अडानी अबानिया जां साडी मोदी सरकार है उन्हां नूं जिहड़ा साडा देश वेचण दी जगह जां किसान दा जिहड़ा किसानी है वह वेचण दी जगह अपनी जिहड़ी कुर्सी वह दे देण, क्योंकि जिहड़ा लालच हुंदा है वह बहुत बुरा हुंदा है। इन्नी असीं कह सकदे हां कि किसी की इनकम होने के बावजूद भी जे अख होर भी चीज़ों पर होंगी है तो उन्होंने लालच ही किया जा सकता है, इस तो वो कुछ नहीं है। तुम देख रहे हो KTV UK कैमरामैन अलजिंदर के नाल पलविंदर कौर।